अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। दोस्तों आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है जो एप्रन कन्वेयर जो होती हैं बकट्स वाली, जहाँ पे बकट्स और चेन लगे होते हैं एप्रन कन्वेयर, उसकी जो ट्रैक होता है उसका व्हील है हमारे पास, रोलर है जो रेलवे ट्रैक टाइप का होता है ना, पटरी सी होती है उसके ऊपर जो चलने वाला व्हील है वो हमारे पास है। ये नया व्हील है, हम उसको डिसमेंटल कर रहे हैं। आपको बताते चलें, ये फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाहर वाले तीन बोल्ट खोल दिया, ये उसका कवर खोल गया, ये ग्रीस का पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ से ग्रीस करते हैं बेयरिंग की लाइफ को बढ़ाने के लिए। और ये इसके ये कॉलर बेयरिंग के ऊपर लग जाती है, यहाँ पे एक लॉक है सरक्लिप, इसको खोलेंगे, इसने बेयरिंग को पकड़ के रखा हुआ है और ये पीछे बेयरिंग है। फिर इसके बाद में बेयरिंग को खोलेंगे, ये अंदर इसकी शाफ्ट है, इस साइड पे ये शाफ्ट होती है बेयरिंग है, ये इसको रोटेट कराता है, इसके अंदर फिक्स है, ये इसकी आउटर बॉडी है आप देख सकते हैं, और ये इसका जो व्हील ट्रेवल करता है ट्रैक के ऊपर में ये है, और ये सेम लाइक ट्रेन ट्रेन की तरह ये जो इसकी कॉलर है ये उसको गाइड करती है रेल के साथ में कि ये डी रेल ना हो जाए इस यहाँ से। और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन यहाँ से ये शाफ्ट बाहर निकल रही है, और यहाँ पे एक रनर ब्लॉक्स होता है जिसके अंदर में इस बोल्ट लग के यहाँ से ये फिक्स हो जाती है, और वो रनर ब्लॉक फिर इसको ये वाला एरिया जो यहाँ पे एक रनर ब्लॉक होता है वो लग जाता है पकड़ के साथ, परमानेंट वेल्ड हो जाता है और ये बोल्टेड हो जाता है उसके साथ में। तो इस तरह ये व्हील हैंग हो जाता है उस पकड़ के साथ में, और जैसे पकड़ के साथ में हैंग होता है तो ये फिर पकड़ के ऊपर में बैटरी लाता है और ये अपना काम जारी रखता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एक रोलर, एक जो ट्रैक है रेलवे ट्रैकिंग ट्रैक वाला जो व्हील होता है बोगियों वाला व्हील, उस टाइप का हमारे सेक्टर सीमेंट सेक्टर में इंडस्ट्री में चलता है, उस टाइप की एप्रन्स हमारे पास होती हैं जो इस व्हील और इस रोलर भी कहते हैं व्हील भी कहते हैं, इस रोलर ट्रैकिंग वे पे व्हील के ऊपर में चलते हैं तो ये हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और वीडियो को लाइक करें ताकि मज़ीद इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।